नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राज्य पुरस्कार के लिए बैठने वाले कलाकारों को क्या अपनी कला दिखला रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको ब्लॉक प्रिंटिंग दिखलाते हैं। ये लकड़ी के ब्लॉक पे प्रिंट किया जाता है। पेंटिंग का नाम क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग। अच्छा, तो इसके लिए कैसे करती हैं, क्या करती हैं? ये लीनो का शीट है। जोर से बोलिए। ये लीनो का शीट है, लीनो शीट हम लोग खुद से डिज़ाइन बनाते हैं, और ये कार्बन टूल से इससे हम लोग डिज़ाइन बना के कार्व कर लेते हैं, और इसके बाद ये शीशा पे कलर लगा करके इसके लिए अलग कलर आता है जिसको लेटर प्रेस इंक बोलते हैं। कलर का क्या नाम है? ममता कुमारी। नहीं, कलर का और लेटर प्रेसिंग। सॉरी, लेटर प्रेसिंग। हाँ, लेटर प्रेसिंग। उसके बाद कलर को हम लोग शीशे पे मिला। ये आप कहाँ से मंगाई है? ये कहाँ मिल जाता है? ऑनलाइन मिलेगा या तो फिर स्टेशनरी शॉप में। हाँ, दिखला दे रहे हैं ऑडियंस को कि अगर बनाना चाहेगा तो कहीं से मंगा सकते। और ये क्या है? ये किरासन पैक है। ये किसी से यूज़। और ये सर्फ से? अच्छा, हाथ धोने के लिए। ठीक, आप बताइए। और उसके बाद कलर को हम लोग शीशे पे, उसका क्या है? ये रोलर है। कलर को हम लोग शीशे पे डाल करके स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से, और उसके बाद मिक्स करके और रोलर से मिला लेते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लॉक पे डिज़ाइन पे लगा लेते हैं। वो डिज़ाइन जब ये की, फिर वो डिज़ाइन कैसे निकला? ये इसको काट के अलग कर ली। हाँ, काट करके, मतलब डिज़ाइन पेंसिल से बना करके टूल से इसको कार्व कर दिए। अच्छा, वो सब साइज का टूल से। अच्छा, फिर उसके बाद जो डिज़ाइन आपका निकला उस पर कलर ऐसे लगा करके सीधे छाप दिया। ये कपड़ा किस तरह का कपड़ा होना चाहिए? कॉटन। कॉटन किसी को काम कर सकते हैं। इसको भी बाटिक से बोलते हैं ना? नहीं, ये बाटिक नहीं है। तो? ये नीचे जो टाई डाई किया हुआ, उसके ऊपर लीनो प्रिंटिंग है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसको टाई डाई किया होगा। हाँ, बांध के ना। हाँ। अच्छा, कितना देर प्रेस करना रहता है? कुछ देर बस, एक मिनट। बहुत आराम से निकालना होता है ना, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से। ये डबल बेडशीट का है ना? सिंगल है। और पिल्लो भी बनाइएगा। कितना दिन लगा इसको बनाने में? ये तो 10 दिन है, बट मेरा तो 2-3 दिन लगा। एक दिन में टाई टाई हुआ है? एक दिन पैटर्न बनाने में और एक दिन टाई करने में। तो लास्ट में जगह कम है, इसलिए बॉर्डर पेपर रखने। हाँ, नहीं पेपर लगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोड़ना है ना। अच्छा, तो ये बॉर्डर का भी डिज़ाइन बनाई होंगे? हाँ, सारे का अलग अलग ब्लॉक बना हुआ, इसका इसका उसका। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा बना रही हैं। ऑल द बेस्ट आपको। यूज़ किए हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है।
जो ठीक है ट्रेडिशनल ब्लॉक का यूज़ किए हैं और स्टेंसिल का यूज़ किए हैं। हमारे पास स्टेप का स्टेंसिल होता है। अच्छा इस टाइप का हम इसको रख के और फिर हम इस पे डॉबर से हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है अच्छा क्या चीज़ से प्रिंट करती हैं? डॉबर। डॉबर वो क्या होता है? अच्छा ये स्पंज का है। हाँ, और स्पंज ये स्पंज का बना हुआ है और इसमें कलर लगाते हैं। कलर लगाते हैं स्पंज में। हम कलर ले लेते हैं। कलर कैसे लेते हैं वो दिखा सकते हैं? कलर को हम स्पंज में डालते हैं। ठीक है और उसके बाद उसको स्प्रेड करके उसके ऊपर हम ऐसे थप करके और तब हम इसको प्रिंट करते हैं डायरेक्ट यहाँ। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद ये स्टेंसिल ब्लॉक करने के बाद फिर हम वुडन ब्लॉक से फिर यूज़ किए हैं। वुडन ब्लॉक है दिखा सकते हैं इस टाइप का ब्लॉक। अच्छा ये ब्लॉक का यूज़ किया। ये सब कहाँ मिल जाता है कि बनवाना पड़ता है? हाँ ये सब तो ऑनलाइन में मिल जाता है और डिज़ाइन देकर बनवाते भी हैं। ये देखिए गांधी जी चरखा चला रहे हैं। इसका कहाँ है आपका? गांधी जी का यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है गांधी जी चरखा चला रहे हैं। ये सब खुद से बनाई आप? हाँ सारा कुछ स्टेंसिल खुद कट के। अच्छा ये चार्ट पेपर पे? हाँ आइवरी शीट आता है वो हार्ड पेपर होता है तो उससे आइवरी शीट। हाँ अच्छा। अपना डिज़ाइन ट्रेस करके फिर ऐसे ही ये हमारा थीम बेस्ड वर्क है। अच्छा क्या है? वोकल फॉर लोकल। क्या? बी वोकल फॉर लोकल। अच्छा वोकल फॉर लोकल वाह तो ये तो प्रधानमंत्री जी का ये है। ये आत्मनिर्भर ही एम्ब्रॉयडरी कर रही है। अच्छा वाह ये इंडिया का मैप है इसमें वो भी ये गांधी जी चरखा पर चला रहे हैं। ये सब भी सब वही है वर्क कर रही है बस यही। नहीं तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आपका थीम बहुत अच्छा है। वो देसी बहुत बढ़िया बढ़िया है आपका। देखिए चलिए थैंक यू आपका। आइए आपको अब ले चलते हैं जानकारी देते हैं भोजपुरी पेंटिंग के बारे में। ये इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही है कि और बहुत कम जगहों पर ये भोजपुरी पेंटिंग की जाती है। आइए जानते हैं ना तो ये उसी का है बट ये कैनवास पेपर पे है। जो हम लोग के घर पे जो भोजपुरी जिला बनता है वो वाइट कलर चावल का चावल काटा रहता है ना चावल के आटे को पानी में मिला के वाइट पेस्ट जैसा ताकि वो वाइट कलर में हो जाए और सेम के पत्ते से बनता है ये ग्रीन कलर। अच्छा हाँ उसी को दीवार पे बनाते हैं सेम और चावल से। हाँ सेम का पत्ता सेम का पत्ता और चावल का जो आटा होता है उसको पानी में मिला के एक कलर टाइप का बन जाता है और ये जो रेड हुआ है ये रेड किस रेड सिंदूर का एक पार्ट है। अच्छा और आपका तो मल्टी कलर है तो ये कैसे बना? ये भी भोजपुरी आर्ट है बट मेरा थीम है दुर्गा माँ का नौरूप। हाँ ना दुर्गा देख रहे हैं पर ये जो बना हुआ है भोजपुरी जो भी आपका जो स्टाइल है काल रात्रि जो भी बना हुआ सब भोजपुरी को काट के थोड़ी बनाई जैसे मधुबनी में अलग अलग थीम होता है ना ऐसे भोजपुरी का अलग ही थीम है। चलिए थैंक यू। बता ये क्या है पहले अपना नाम बताइए। आपका नाम? नाम ये क्या है? देखने से तो लग रहा है गांव का सीन है खेत का है तो इसमें क्या है? किसान लोग से बनाए ये सब है और ये तो है चिड़िया को उड़ाने के लिए जो बनाते हैं। तालाब भी है मछली कमल का ये बनाया जाता है वो खेतों में। हाँ तालाब प्राकृतिक सीन दिखाना चाहते हैं। नहीं बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया हमारे देश में मतलब यही किसान है कृषि प्रधान देश है। हाँ कृषि प्रधान देश है और ये लोगों से भी देश किसान है। ये भोजपुरी पेंटिंग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है? आरा में होता है आरा में होता है भोजपुर छपरा में भी होता है।
बहुत प्रसिद्ध नहीं है वहाँ पे, लेकिन हाँ, इधर से ही सुन रहे हैं पहले तो इसका नाम भी नहीं जान, केवल हम मधुबनी पेंटिंग बिहार को जानते थे। ये क्या है? अरे तिरंगा नहीं कर रही है? तिरंगा है। वाह। और इसमें ये सूर्य देव है। वाह। यहाँ हमारा चक्र है। हाँ। और ये ग्रीन हमारी धरती है। वाह। और ये बिहार का नक्शा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा थीम है। इसके अंदर ये नाम बताइए अपना। मेरा कुमारी अमीशा नाम है। वाह। कहाँ से आई? मैं पटना से हूँ। अच्छा, आप पटना से? जी। वाह, सही। तो मगध प्रदेश से आप भोजपुरी लाई हैं? मैं पटना से हूँ। आप कहाँ से हैं? हम भी पटना से हैं। और आप कहाँ से आई हैं? रहते तो पटना में ही हैं, ऊपर घर छपरा पड़ेगा। छपरा। और ये क्या बना रही हैं? इनका भी भोजपुरी ही है? हाँ, इनका। आपका नाम बताइए। नेहा कुमारी। क्या थीम है आपका? तो भोजपुरी पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो ये किस थीम पे आप बना रही हैं? उसी को बना रही हैं। थीम आपका? ये थीम कोवर है। अच्छा, कोवर। वो जैसे मैं मिथिला मैथिली में होता है, मिथिला में कोवर। उसी टाइप से मतलब भोजपुरी में कन्वर्ट किया। चलिए, अच्छा है। आप लोग को ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू। अब आपको ले चलते हैं भुट्टा के छिलके से जहाँ कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये ग्लास है और इधर देखिए यहाँ कटोरी बनाया गया है। ये वेस्ट मटेरियल का बहुत ही अच्छा उपयोग है और ये इको फ्रेंडली भी हैं। और यहीं पर ये बना रहे हैं भुट्टे के छिलके से प्रोडक्ट। तो ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करके और इको फ्रेंडली चीज़ बना रहे हैं। नाम हो गया नाज उज़ैर, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और पिछले 10 सालों से नेचर पे काम कर रहा हूँ। और आज की डेट में मतलब 10 प्रोडक्ट्स प्लास्टिक्स का रिप्लेस कर चुका हूँ अभी तक। और आने वाले समय में मेरा संकल्प है कि प्लास्टिक्स का कम से कम 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का मेरा कमिटमेंट है और इसको लेकर मैं संकल्पित हूँ। और बहुत ही जल्द मैं इसको पूरा भी करूँगा और ज़्यादा समय नहीं है। 10 प्रोडक्ट्स को आपने देखा भी होगा क्योंकि ये टॉफी हो गया कि आपका ये सब चीज़ें हो गई कि पोटैटो चिप्स वगैरह मतलब रैपर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हैं। बहुत अच्छा है। भविष्य में इसका कटोरी बहुत खूबसूरत है। ये ग्लास है और ये सारा है वेस्ट मटेरियल जो है इससे बना, इससे तैयार हुआ है सारा वेस्ट मटेरियल से। और बहुत इनमें है लगन है। और चलिए, राज्य पुरस्कार के लिए बैठे हैं। ऑल द बेस्ट इनको, इतना नेक कार्य कर रहे हैं।